सुमेंद्र मौर्य चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बैल को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में कैमरा है तो आप अपने मोबाइल के कैमरे से बहुत बहुत अच्छी फ़ोटो लेते होंगे और बहुत सारी फ़ोटो आपके मोबाइल में पड़ी भी होंगी। लेकिन आज जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इस ट्रिक का आप यूज करके अपने फोटो को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और ये ट्रिक मैं आपको 100% प्रूव करके दिखाऊंगा। और मुझे लगता है ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस ट्रिक में आपके लिए किसी भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी और आपको किसी भी तरह की टूल की जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली इसको बस कुछ ही सेकंड में इसे आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और आप इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं और ये आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इस डिस्प्ले पर दोनों साइड में कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ कोरोना वायरस से बचने के लिए इन दोनों चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें जब तक कि ठीक नहीं हो जाता। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ उस ट्रिक के लिए आपको करना क्या होगा, आपको कोई भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, ना कुछ डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके जो डिस्प्ले पे है यहाँ पर गूगल सर्च बार जो दिखाया है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अगर नहीं है तो आप क्रोम ब्राउजर ओपन करके डायरेक्टली उसमें जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है रिमूव, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से देखिए आप टाइप कर दिया है। आपको यहाँ पर डॉट और एक बार बैक करके यहाँ पर बीजी लिख देना है और जब आप इसे लिख देंगे तो इसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप डायरेक्टली पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको किसी भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी, तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करते हुए पहुँच जाना है। तो आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है, थोड़ा और करना है और यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन दिखाई देगा। तो शायद ब्लर हो रहा है तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन दिखाई देगा और आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर ब्राउज़र के ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो ले ली है। अब यहाँ पर होगा क्या, जो आपका फ़ोटो है तो आपको करना क्या होता है, जैसे कि आपका ये फ़ोटो दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो क्या है अलग से टूल यूज करने पड़ते हैं, अलग से एप्लीकेशन बैकग्राउंड को हटाने के लिए, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कभी आप अलग से यहाँ पर कटिंग करते हैं अपने फ़ोटो पर, फिर या अलग से आप कहीं इसको रेजर से करते हैं, तो ऐसे एप्लीकेशन में बहुत सारे यूज होते हैं जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है रिमूव करने में। पर यहाँ पर क्या है, आप कुछ ही सेकंड में बस इसे इस तरह से बैकग्राउंड रिमूव करके अपना कोई सा भी बैकग्राउंड पीछे लगा सकते हैं। तो यहाँ इस साइड की मदद से आप डायरेक्टली यहाँ पर बहुत ही कम समय में अपना बैकग्राउंड पीछे से हटा सकते हैं और डायरेक्टली आप फोटो को आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड पीछे से लगा सकते हैं। तो इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। और जब आप डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो आपको ऊपर की तरफ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड होकर दिख जाएगी। तो आपको दिखेगी कैसे, यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो कि एक फ़ाइल है यहाँ पर जो डाउनलोड हो सकती है इमेज, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जो यहाँ पर आप अपने जैसे भी ओपन करते हैं ओपन कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि मैंने अभी इस फोटो को अपलोड किया, ये पूरा था। अब यहाँ पर इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा ब्लर हो रहा है, तो इस तरह से देख लीजिए। अब यहाँ पर इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो चुका है, तो अब इस इमेज का आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर किसी भी फोटो का बैकग्राउंड पीछे से रिमूव कर सकते हैं। तो आपको लगता है सिर्फ आप अपने ही फोटो का कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको दूसरी एक फ़ोटो का और करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर जैसे अपलोड इमेज का ऑप्शन है, तो फिर से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ब्राउज़र पर जाना है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको एक अलग की इमेज दिख रही है जिसमें कोई भी ह्यूमन नहीं है, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और इसको ये बैकग्राउंड रिमूव करेगी नहीं करेगी तो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी ये 100% बैक करेगा। तो यहाँ पर जो पिक्चर है अपलोड हो चुकी है और इसके बाद भी इसके बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, देखो। तो इस तरह से ये यहाँ पर जो भी यहाँ पर बैकग्राउंड है किसी भी इमेज का, आप यहाँ पर बहुत ही सिंपली तौर पे इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और पिक्चर को कहीं भी यूज कर सकते हैं और बैकग्राउंड उसका कुछ भी नया लगा सकते हैं। तो आपको कुछ इसी तरह से करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।